राम रामायण और रामचरितमानस पर छिड़े महाभारत के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बीजेपी और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल 15 साल मंत्री रहे, वो बताए कि राम पथ गमन के लिए क्या किया। देश में 4 कुंभ, यहाँ मेले को 5वां कुंभ बना दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में रामचरितमानस फाड़ा गया, लेकिन वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई कार्रवाई नहीं की। भूपेश ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ राजनीति करनी है और हर जगह राजनीति का तरीका अलग है, यहां अलग है और उत्तर प्रदेश में अलग। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कितने बीजेपी के लोग रामायण का अक्षरशः पालन करते हैं, कितने भाजपाई अपने माता पिता के रोज पैर छूते हैं, उनकी बात मानते हैं। किसी ने माँ बाप को निकाल दिया, किसी ने भाई को छोड़ दिया, किसी ने पत्नी को छोड़ दिया। क्या बीजेपी इन्हें पार्टी से बाहर करेगी? अमिताभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ के जो प्रयास है उसके उन्होंने प्रशंसा की। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये गौरव की बात है। ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। 15 साल तो रहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मंत्री, कौन सा राम मंदिर पर्यटन पर्वत बना लिया, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपये खर्चा कर दिया और उसको मेला को वो क्या बना दिए थे, कुंभ, 4 ही कुंभ होता है, 5वां कुंभ बना दिए थे। आज वार्षिक स्वरूप आया है तो यहाँ की जो संस्कृति वो बिगाड़ने का काम तो ब्रिजमोहन ने किया। जो रामायण में जो बातें हैं वही बात को पूरा पालन करते हूं। कोई पति छोड़े, कोई पत्नी छोड़े, कोई भाई छोड़ा है, और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा करते हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते रोज पैर छूते हैं। ऐसे बताए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने माँ बाप से अलग नहीं रहते या अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल दिए।